ऑल ओवर इंडिया 1.5 लाख से ऊपर लोग मरते हैं। हम नहीं चाहते कि लोग रोड पे मरे। अगर देश के लोगों को मरना है तो देश के लिए मरे, और अपनी बॉडी को अगर घर भेजना है तो कफन में नहीं तिरंगे में भेजें। मेरा एक सपना है, 15 साल में एक ही दुकान रखी, जो मेरी मोहब्बत है उसकी वजह से मैं आज ये काम कर पा रहा हूँ। और मेरी मोहब्बत का नाम नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया है। सब देखकर एनर्जी आती रहती। क्या बात है भाई, दुनिया में दिखावा सब कुछ नहीं होता। अगर आप अच्छे काम करेंगे दुनिया आपको सलाम करने आएगी, आपको दुनिया के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कृपा करके दिखावे में मत जाएं, देश के लिए काम करें। और यकीन मानिए कोई मजाक नहीं है, जान निकल जाती है, ये बच्चों का खेल नहीं है, या फिर हमारी जिंदगी भी हमेशा टेंशन में रहती है। चलो देखिए, मेरा जो भी काम है वो इंडिया के लोगों के लिए है। मैंने चाहता कि इंडिया के लोग रोड पे मरे, काफी सच को समझे। ऑल ओवर इंडिया 1.5 लाख से ऊपर लोग मरते हैं। हम नहीं चाहते कि लोग रोड पे मरे। अगर देश के लोगों को मरना है तो देश के लिए मरे, और अपनी बॉडी को अगर घर भेजना है तो कफन में नहीं तिरंगे में भेजें। मेरा एक सपना है, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ लोगों को अवेयर करने के लिए, ताकि लोगों को जो जनरेशन है उसमें 1.5 लाख लोग खतर मरते हैं, जिसमें से करीबन 90,000 युवा होते हैं। मैं नहीं चाहता कि युवा रोड पर मरे, वो अगर देश के काम आ सके डेफिनेटली देश के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। एक ही मैसेज देना जो मैं देखता हूँ कि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। अपने अंदर पेशेंस लेके आइए, कहीं मत भागिए, अपने गोल के लिए तरफ फोकस करिए। दुनिया में दिखावा सब कुछ नहीं होता। अगर आप अच्छे काम करेंगे दुनिया आपको सलाम करने आएगी, आपको दुनिया के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कृपा करके दिखावे मत जाएं, देश के लिए काम करें, अपने प्रायोरिटीज लाइफ में लेकर आए। जब प्रायोरिटीज लाइफ में लेकर आएंगे, प्राथमिकता लाइफ में लेकर आएंगे, यकीन मानिए आपके जो सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो यंग जनरेशन को ये बोलूंगा कि अंदर अपने पैसेंस रखिए, और रोड पे मजाक मत बनाइए, रोड पे सही तरीके से चले, गाड़ी फास्ट में चलाएं, और अपनी बॉडी को रोड पे कुर्बान करें। कुर्बान करना देश के लिए कुर्बान करें। मुझे आज यहाँ 15 साल हो गए हैं चौराहे पर काम करते करते, और 15 साल में एक ही चीज दिमाग में थी, जो मेरी मोहब्बत है उसकी वजह से मैं आज ये काम कर पा रहा हूँ। और मेरी मोहब्बत का नाम नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया है। सही है, कर एनर्जी आती रहती। लोग ट्रैफिक सिग्नल के को लेकर बोर हो गए थे, मतलब बोरिंग समझते थे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा जो रुका जाए, या सीरियसली नहीं लेते थे। तो मेरा कॉन्सेप्ट था कि लोगों का ध्यान ट्रैफिक के ऊपर जाए, वो रोड पर मजाक ना करें, कम से कम थोड़े सेंसिबल हो, क्योंकि हम कुछ ना कुछ करेंगे तो उनका दिमाग ट्रैफिक के ऊपर जाएगा, सिग्नल के ऊपर जाएगा, ट्रैफिक रूल्स के प्रति जाएगा और रिस्पेक्ट आएगा। तो अगर ट्रैफिक पुलिस के लिए रिस्पेक्ट करेंगे तो ट्रैफिक का भी रिस्पेक्ट करेंगे, और रिस्पेक्ट लाने का ही मेरा पर्पस था। आज बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इट मीन्स कि बहुत सारे लोग रूल्स फॉलो करते हैं और वो सेफली घर जाते हैं। जो मेरा मकसद था वो कहने भी पूरा हो रहा है। अगर वो मेरे रिस्पेक्ट करते हैं, इट मीन्स वो ट्रैफिक सिग्नल भी रिस्पेक्ट करते हैं और वो सेफली ड्राइव करते हैं। तो जो मेरा मकसद था लोगों को सेंसिबल लाने के लिए, वो सेंस मेरा पूरा हो रहा है। सिखा ना, ये जिंदगी सिखा देती है। क्या बात है, जिंदगी सिखा देती है, जोर जोर सिखा देती है। अगर आपको मोहब्बत होती है ना तो मोहब्बत सिखाई नहीं जाती, वो अपने आप हो जाती है। सही है। मेरी मोहब्बत मेरी वर्दी है, और उसके लिए जो भी कुछ करना कम वक्त लगता है। और यकीन मानिए कोई मजाक नहीं है, जान निकल जाती है, ये बच्चों का खेल नहीं है, या फिर हमारी जिंदगी भी हमेशा टेंशन में रहती है, मतलब डर में रहती है कि कोई ना कोई गाड़ी चला जाएगा। पर उसके बावजूद हमारा जो मकसद है कि रूल्स लोग फॉलो करें, उसको अगर पूरा कर पाते हैं, एक इंसान की भी जान बचा पाते हैं, एक इंसान को भी अगर हम ट्रैफिक को फॉलो करवा पाते हैं, तो हमारा जो सपना है वो पूरा हो गया। हम दोनों सुनाने के लिए बात नहीं करते। चलो।